हम एंडोमेमरेन सिस्टम के सेकेंड कॉम्पोनेट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या गोल्जी बॉडीज बोलते हैं गोल्जी बॉडी सिर्फ यू में होती है प्रो में बिल्कुल भी नहीं होती इट इज कम्प्लीटली एबसेंट इन प्रो के प्लस गोल्जी बॉडी राइबोसोम्स में भी सॉरी आरबीसी में भी नहीं होती हमारे जो एरेट्स हैं इवन दे डू लैक गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपैरेटस और गोल्जी बॉडीज गोल्जी बॉडी को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे कमीलियो गोल्जी और कमीलियो गोल्जी के नाम पर ही गोल्जी ये टर्म पड़ा है ये नाम दिया गया है तो कमीलियो गोल्जी वॉज द वन हु डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडी और गोल्जी अपैरेटस और इसलिए हमने इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोला है गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलने का एक रीजन ये भी है कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी एंटिटीज एक साथ रोल प्ले करेंगी कोई एक ही कंप्लीट यूनिट नहीं है देर आर मेनी यूनिट्स जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन गोल्जी बॉडी का एक क्लासिफिकेशन स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस के बेसिस पे भी है अगर गोलजी बॉडी बहुत सारा फैट स्टोर करती है तो उसे हम लिपोकोंड्रिया बोलते हैं इफ इट स्टोर लिपिड वी कॉल इट एज लिपोकोंड्रिया अगर गोल्जी बॉडी के अंदर बहुत सारे लिपिड्स फैट्स इनको हमने स्टोर करके रखा है या इनको हमने गोल्जी बॉडी की मदद से वेसाइकल्स में पैक करके डिस्पैच किया है तो उसे हम बोलते हैं लिपोकॉन्ड्रिया राइट right, ये फैट सेल्स के या फैट के आसपास आपको बहुत ज़्यादा सॉरी लिवर के आसपास बहुत ज़्यादा मिलेगी क्योंकि हमारे बॉडी में फैट का मेटाबॉलिज्म लिवर करता है राइट right? इसके अलावा गोल्जी बॉडी अगर सिर्फ एक सिंगल सिस्टरने के फॉर्म में मिले स्पेशली दिस टर्म और दिस टाइप ऑफ गोल्जी बॉडी इज फाउंड इन प्लान्स तो उसे हम डिक्टोजोम बोलते हैं डिक्टायोजोम्स का मतलब होता है जब गोल्जी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सिस्टरने के फॉर्म में हो एंड इट इज़ फाउंड ओनली इन ओनली इन प्लांट्स देखिए यू कैरियोटिक सेल्स में गोल्जी बॉडी होती है प्लांट्स में गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है एनिमल्स में गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है प्लांट्स के अंदर गोल्जी बॉडी थोड़े से स्कैटर्ड फॉर्म में होती है और वो जो स्कैटर्ड फॉर्म में होती है उसे हम डिकटायोजोम बोलते हैं रैंडमली स्प्रेडेड होती है इन सिंगल सिंगल यूनिट्स के फॉर्म में होती है तो दैट इज वॉट इज रेफर्ड एज डिकटाज ओम ऑल दो ये भी बहुत एफिशेंट है अपने काम में अपने प्रोसेसिंग पैकेजिंग एंड सिक्रेशन वाले काम में गोलजी बॉडी को एक बहुत स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक की मदद से ऑब्जर्व किया गया था जैसे हम सिल्वर स्टेनिंग बोलते हैं ये भी आप याद रखेंगे कि गोलजी बॉडी को स्टेन करने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट सल्यूशन को यूज़ करते हैं इनिशियली भी सबसे पहले भी सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को ही यूज़ किया गया था और इस सोल्यूशन को या इस स्टेन को यूज़ करने के बाद गोलजी बॉडी हमें विजुलाइज हुई थी और ये बहुत स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक है लेकिन हमने ये भी ऑब्जर्व किया जब हम स्टेनिंग कर रहे थे कि जब गोल्जी बॉडी को आप देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो उनके आसपास का एरिया आसपास के जोन में कुछ भी विजिबल नहीं होता इट इज ऑल स्कैटर्ड एवरी थिंग इज ऑल स्कैटर्ड इन द नियर बाई एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नियर बाई एरिया बट इट इज नॉट प्रेजेंट नियर द गोल्जी बॉडी आई द प्रेजेंट इन वेरी लेस नंबर और इट इज कम्प्लीटली एबसेंट ये एरिया कहलाता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन अगेन एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है जोन ऑफ एक्सक्लूजन हम किसे बोलते हैं द साइटोप्लाजम नियर गोल्ची बॉडी विच हैव नो और वेरी लेस सेल ऑर्गेनल्स वो जोन आपको बहुत इजीली बहुत आसानी से दिखाई दे जाएगा तो पता है बच्चों मजे की बात क्या है जब आप स्टेनिंग करते हैं ना तो जिस हिस्से में आपको कुछ भी या सारी चीज़ें स्कैटर्ड इधर उधर दिखाई देती हैं और सिर्फ बीच में एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो हम अंदाज़ा लग जा लग जाता है कि यहाँ पे गोल्जी बॉडी होगा हम एक अजम्प्शन ले ही लेते हैं कि डेफिनेटली इस रीजन में क्या प्रेजेंट है गोल्जी बॉडी क्योंकि जहाँ गोल्जी बॉडी होगा वहाँ पर दूसरी चीज़ें नहीं होंगी अब ये भी सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं होंगी भाई जब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गोल्जी बॉडी कि जहां पे राइबोसोम्स कनेक्टेड हैं ईआर से ईआर ER कनेक्टेड है गोल्जी बॉडी से और गोल्जी बॉडी कनेक्टेड है या गोल्जी बॉडी अपने वेसाइकल्स को डिस्चार्ज करेगा मैंने अभी आपको जब एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम बताया था तब ये चीज क्लियर की थी कि एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडीज जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्शन में है ये जो गोल्जी बॉडीज कनेक्शन में है इनके प्रोटीन्स को हम पैक करते हैं वेसाइकल्स में और वेसाइकल्स को डिस्पैच करते हैं तो आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि इस एरिया में क्यों बहुत कम सेल ऑर्गनल हैं सो दैट गोल्जी बॉडी जो ट्रैफिकिंग करेगा सब्सटेंसेस की उस ट्रैफिकिंग को स्पेस मिल सके जगह मिल सके एंड देयर विल बी नो हिंड्रेंस देर विल बी नो रेजिस्टेंस इफ देर आर सम अदर सेल ऑर्गनल जो कि गोल्जी बॉडी के बिल्कुल नियर बाय है सराउंडिंग है तो इट विल नॉट गेट अ क्लियर पैसेज उसे सीधा सीधा क्लियर रास्ता नहीं मिलने वाला इसीलिए हम क्या करते हैं गोल्जी बॉडी को एक ऐसा एरिया चुनकर देते हैं जहाँ पे सेलॉगनल्स कम है या यूं कह लीजिए जहाँ गोल्जी बॉडी है वहाँ पे सेलॉगनल्स कम है सो दैट इट गेट्स अ क्लियर पैसेज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन तो चलिए हम वन बाय वन गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं और ये स्ट्रक्चर आपस में कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं देखिए जब भी एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम से बनकर कोई प्रोटीन गोल्जी बॉडी को दिया जाता है तो गोल्जी बॉडी उस प्रोटीन को इकट्ठा करके मॉडिफाई करती है मतलब आपको प्रोटीन को बकायदा प्रोसेस करना है उसे पैकेज करना है तो इसके लिए गोल्जी बॉडी के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं ये सारे अलग अलग कॉम्पोन हमारे पास मेजरली तीन कैटेगरीज में प्रेजेंट हैं जो कि बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे हमारे एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम के पास होते हैं तो देखिए गोल्जी बॉडी में सिस्टर ने और ट्यूब्यूल्स बिल्कुल उसी तरीके से वो तीन कॉम्पोन हैं जो हमारे एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम के पास होते हैं वैसे ही गोल्जी बॉडी के पास ये तीन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं लगभग सबके स्ट्रक्चर भी सेम ही है सिर्फ गोल्जी बॉडी का ओवरऑल स्ट्रक्चर डिफर करता है दैट आई शो यू हाउ इट इट इज डिफरेंट गोल्जी बॉडी में जो सिस्टर ने हैं अगेन दे आर फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे स्ट्रक्चर्स हमने इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम में देखे थे तो दे आर फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस इन्हें हम बोलते हैं सिस्टर ने ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के और स्टैक के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं मतलब एक सिस्टर ने उसके ऊपर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा तो इस तरीके से सिस्टर ने एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ये सारे सिस्टर ने मिलकर पूरा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन करते हैं डायमीटर इज अप्रॉक्सिमेटली पॉइंट माइक्रोमीटर टू वन माइक्रोमीटर ये डायमेंशन आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जस्ट अ फैक्ट और जस्ट अ डेटा विच इज गिवन गोल्जी बॉडी में जो ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है एंड शो यू अगेन गोल्जी बॉडी में जो ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे कई बार मटेरियल फिल्ड होता है प्रोटीन फिल्ड होता है सो so दैट उसे प्रोसेस किया जा सके इन्हें हम नोड्यूल्स बोलते हैं तो नोड्यूल्स वो सरफेस सॉरी नोड्स बोलते हैं नोड्स वो एरियाज हैं जहाँ पे हमारे गोल्जी बॉडी के पास में कुछ स्ट्रक्चर्स फिल्ड हैं बेसिकली ये कुछ नहीं है ये प्रोटीन्स ही हैं जिन्हें हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं उन्हीं प्रोटीन्स को हमने यहाँ पे फिल किया है सो दीज आर द नोड्स विच आर प्रेजेंट इन आर गोल्जी बॉडी अलग अलग जगह पे गोल्जी बॉडी के अंदर सिस्टर का नंबर अलग अलग होता है जहां पे प्रो प्रोटीन्स का मैन्युफैक्चर बहुत स्पीडी रेट पे चल रहा है प्रोटीन्स को हम बहुत ज्यादा तेजी से बना रहे हैं वहाँ पे सिस्टर ने ज्यादा होंगे जितना मेच्योर गोल्जी बॉडी होगा उतने सिस्टर ने ज्यादा होंगे जितना यंग गोल्जी बॉडी होगा उतना सिस्टर ने कम होंगे तो कितने सिस्टर ने आएंगे ये डिपेंड करता है गोल्जी बॉडी की मेच्योरिटी पे प्लस लोकेशन पे उसकी पोजिशन पे कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है गोल्जी बॉडी में जो सिस्टर ने हैं ये न्यूक्लियस की तरफ भी फेस करते हुए होते हैं एसोसिएटेड होते हैं देखिएगा जरा बच्चों यहाँ ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के पास में ये एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम है और एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड हमारा गोल्जी बॉडी है कुछ इस तरीके से तो जो सिस्टर ने हैं दे आर अरेन्ज्ड नियर न्यूक्लियस क्योंकि एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम के आसपास होगा गोल्जी बॉडी बच्चों तो जब एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम के पास में गोल्जी बॉडी है तो डेफिनेटली वो सिस्टर ने भी कहाँ पे है नियर एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास में है इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सिस्टर ने भी किसकी तरफ है टूवर्ड्स न्यूक्लियस गोल्जी बॉडी का जो कॉन्वेक्स सरफेस है दैट फेस इज टूवर्ड्स न्यूक्लियस इस तरीके से और इसी कॉन्वेक्स सरफेस को हम सिस फेस के नाम से भी जानते हैं दिस इज रेकॉर्ड एज सिस फेस या फिर क्योंकि प्रोटीन यहाँ से एंटर करता है मॉडिफिकेशन के लिए इसलिए इसे हम फॉर्मिंग फेज के नाम से भी जानते हैं वी कॉल दिस फेज एज सिस फेज और फॉर्मिंग फेज वहीं जो अपोजिट फेज है उसे हम मैचुरिंग फेज भी बोलते हैं जहां से मिच्योर्ड प्रोटीन बाहर आएगा इसे हम ट्रांस फेस के नाम से भी जानते हैं तो आप देखेंगे कॉन्वेक्स फेस जो है एम सो सॉरी कॉन्वेक्स फेस जो है वो टूवर्ड्स न्यूक्लियस है और कॉनकेव फेज इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस दिस इज कॉन्वेक्स फेस, इट इज फेसिंग टूवर्ड्स न्यूक्लियस एंड कौन फेस व्हिच इज फेसिंग अपोजिट फ्रॉम द न्यूक्लियस दैट इज टूवर्स मेम्ब्रेन है दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बच्चों सिस इज टूवर्ड्स न्यूक्लियस सिस कॉन्वेक्स न्यूक्लियस आप इसे ऐसे याद रखिएगा कॉन्वेक्स सिस एंड न्यूक्लियस तो ऑब्वियसली जो अपोजिट फेज है वो टुवर्ड्स मेम्ब्रेन हो गया तो इस तरीके से हमारे गोल्जी बॉडी के अरेंजमेंट है दिस इज कॉनकेव फेज विच इज़ फेजिंग टुवर्ड्स मेम्ब्रेन सिस और ट्रांस फेस दोनों भले ही अलग अलग फेजेस हों लेकिन कनेक्टेड हैं ये इसीलिए कनेक्टेड हैं क्योंकि प्रोटीन एंटर होता है सिस फेज से और निकल कर जाता है ट्रांस फेस से तो जब भी एंट्री होगी प्रोटीन्स की हमेशा गोल्जी बॉडी में प्रोसेसिंग के लिए वो कॉन्वेक्स फेस की तरफ से होगी और जब भी उन्हें एग्जिट करना होगा वो कॉनके फेस से करना होगा सो दिस इज हाउ दे आर अरेंज द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ एनी गोल्जी बॉडी इज सिस्टर ने सिस्टर ने जो होते हैं दे आर बेसिकली सिस्टर uh, ने जो है सॉरी uh, टिब्यूल्स जो है सिस्टर ने भी टॉक्ड अबाउट टिब्यूल्स जो है वो ब्रांच्ड हैं और ये इरेगुलर ट्यूब्स हैं जैसे सिस्टर ने रेगुलर होते हैं वैसे टिब्यूल्स जो हैं वो ट्यूब लाइक -like और इस तरीके से होते हैं सो दे आर ब्रांच्ड है ना एक तरीके से उनमें आपको नोट्स दिख रहे हैं आपको आपको उनके अंदर कर्व्स दिखाई दे रहे हैं सो दे आर बेसिकली ट्यूब लाइक टिब्यूल्स इस तरीके से द नेक्स्ट इज वैसाइकल्स जो कि स्पेरिकल होते हैं ट्रांजिशन फेज में आपको वेसाइकल्स ज्यादा मिलेंगे और इनके अंदर फिल्ड होते हैं मॉडिफाइड प्रोटीन्स मतलब फंक्शनल प्रोटीन्स तो गोल्जी बॉडी से जब भी कोई प्रोटीन निकलकर बाहर आएगा तो वो कैसा होगा कंप्लीटली फंक्शनल होगा वो कंप्लीटली काम करने लायक होगा फंक्शनल प्रोटीन कोई इंजाइन भी हो सकता है बच्चों देखिए हमारी बॉडी में हर इंजाइम एक प्रोटीन है राइट right, हर प्रोटीन एंजाइम हो डेफिनेटली ये जरूरी नहीं है लेकिन हर एंजाइम तो प्रोटीन ही होता है तो अगर आपके गोल्जी बॉडी ने प्रोटीन्स का फॉर्मेशन किया है तो वो उसे मॉडिफाई करके एंजाइम्स का भी शेप दे सकते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे वो फंक्शनल प्रोटीन मतलब हो सकता है कि किसी ना किसी तरीके का वो एंजाइम हो ये वेसाइकल्स ट्रांसफेस की तरफ प्रेजेंट होंगे और इसीलिए ट्रांजिशन वेसाइकल्स भी बोल सकते हैं आप इन्हें दे आर टूवर्ड्स ट्रांसफेस ना भाई ट्रांसफेस की तरफ फेस करते हुए तो इन्हें हम ट्रांजिशन वेसाइकल्स भी नाम दे सकते हैं इट इज़ वन इन द सेम थिंग सिर्फ जगह के हिसाब से कौन सी फेज में वो प्रेजेंट है उसके हिसाब से हमने ये नाम दिया है नथिंग स्पेशल अबाउट इट आप इसे जस्ट सिंपली गो थ्रू कर लें एज नथिंग इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे गोल्जी बॉडी में वो बेसिकली इसका फंक्शन है क्योंकि गोल्जी बॉडी का फंक्शन ही सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में फंक्शनल प्रोटीन्स को बनाने के लिए भाई जब तक गोल्जी बॉडी आपके प्रोटीन को प्रोसेस नहीं करेगा तब तक आप कोई भी प्रोटीन प्रॉपरली बना ही नहीं सकते इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर अ प्रोटीन यू नीड टू मॉडिफाई इट आफ्टर प्रिपेरिंग अ क्रूड प्रोटीन आफ्टर प्रिपेरिंग अ रॉ प्रोटीन यू नीड टू मॉडिफाई इट आप उसे मॉडिफाई करेंगे और जैसे ही आप उसे मॉडिफाई करेंगे क्या बन जाएगा इट विल टेक द फॉर्म ऑफ अ फंक्शनल प्रोटीन तो देखें जरा कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं सिक्रीशन uh, की क्योंकि हमारा गोल्जी बॉडी सिक्रीशन में मदद करता है proteins के तो अगर ये मेरा गोल्जी बॉडी है तो यहाँ पे कुछ वेसाइकल्स हैं जिन्हें हम ट्रांजिशन वेसाइकल्स बोलते हैं ट्रांजिशन वेसाइकल्स में प्रोटीन्स को फिल कर दिया जाता है ये सैक्यूल्स हैं ठीक है अब गोल्जी बॉडी में एसोसिएशन में हम देखें तो यहाँ पे एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम है मैं स्पेसिफिकली लिख देती हूँ बच्चों आर ई आर ताकि आपको याद रहे कि ये रफ एंडोप्लासमिक रेटिकुलम है जिसने अपने अंदर प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर लिया है प्रोटीन्स को फॉर्म कर दिया है और वो रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन एंटर करेगा कहाँ पे इसमें ये प्रोटीन इन सिस्टर ने को क्रॉस करता हुआ यहां पे पहुंचा और इसीलिए हमने क्या कहा है कि जब प्रोटीन्स की एंट्री होती है तो वो सिस फेज से होती है याद करें ये फेज है विच इज टूवर्ड्स न्यूक्लियस कॉन्वेक्स न्यूक्लियस और ये ट्रांस फेज है जहां से प्रोटीन को बाहर आना है तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गई कि हमारे गोल्जी बॉडी में जो प्रोटीन की एंट्री होगी वो कहां से होगी सिस फेज से होगी अब देखिए सिस फेज से प्रोटीन की एंट्री के बाद यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे हम प्रोटीन्स को मॉडिफाई करते हैं राइट right. प्रोटीन्स को मॉडिफाई करने के लिए हम हो सकता है हमारे प्रोटीन्स पे ग्लूकोज ऐड कर दें और हम हो सकता है हमारे प्रोटीन्स पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दें राइट right. तो हमारे प्रोटीन्स को चेंज करना चाहते हैं हम बेसिकली सो ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइको ऑक्सीडेशन ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइको ऑक्सीडेशन ये तो मेन टाइप के मॉडिफिकेशन हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स के जो कि पूरी तरीके से गोल्जी बॉडी में होते हैं और ये करने के बाद हमारा गोल्जी बॉडी हमें एक एक प्रोटीन देता है, फंक्शनल प्रोटीन और लिपिड प्रिपेयर कर करके दे देता है तो गोल्जी बॉडी ग्लाइको और ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है समझना जरा ग्लूकोज का एडिशन जब आप प्रोटीन पे करेंगे तो दिस विल गिव यू ग्लाइको प्रोटीन राइट ग्लूकोज का एडिशन जब आप करेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लूकोज का एडिशन जब आप लिपिड पे करेंगे तो इट इज ग्लाइको लिपिड और यही प्रोसेस मॉडिफिकेशन का फॉर्म है सबसे पहले तो हमारे गोल्जी बॉडी ने क्या किया प्रोटीन्स को रिसीव किया फेस से फिर उन प्रोटीन्स को चैनल करती गई एक एक सिस्टर ने में ताकि हम प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर सके प्रोटीन्स को मॉडिफाई किया और कहा भेजा टूवर्ड्स ट्रांसफेस ट्रांसफेज से प्रोटीन्स मिच्योर होकर बाहर निकल जाएंगे फाइनली दे आर प्रोसेस्ड और अब वो वहाँ से मिच्योर होकर बाहर निकल जाएंगे एंड नाउ वेसाइकल्स के थ्रू वो पूरे सेल में सर्कुलेट कर दिए जाएंगे सो दिस इज बेसिकली ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइको ऑक्सीडेशन प्रोटीन्स और लिपिड्स का हमारा गोल्जी बॉडी परफॉर्म करता है वंस इट इज डन मैं एक बार फिर से पीछे की प्रोसेस पे जाना चाहूँगी अगर एक बार प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन हो गया है तो हमारा गोल्जी बॉडी उन्हें वेसाइकल्स में पैक करके आ, आ, डिस्पैच करता है वेर एवर आर रिक्वायर्ड तो देखिए ये प्रोटीन मॉडिफाई होकर यहाँ पे इकट्ठा हो गया और अब जब वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया तो धीरे धीरे ये यहाँ से पिंच ऑफ होना शुरू होगा ठीक उसी तरह बच्चों जिस तरह हमने एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम में पिंचिंग ऑफ की प्रोसेस देखी थी रेटिकुलम में भी क्या हुआ था बेटा जो ए, हमारा जो प्रोटीन था वो प्रोटीन पीछे की तरफ एक्यूमुलेट हो गया था वहाँ से पिंच ऑफ होकर एक वेसाइकल दूर हो गई थी डिटैच हो गई थी और वो वेसाइकल फिर जहाँ पर भी उसकी जरूरत थी वहाँ पर पहुंचा दी गई थी राइट right? तो गोल्जी बॉडी का ये काम सिक्रीशन कहलाता है आपने पहला काम प्रोसेसिंग किया दूसरा काम आपने पैकेजिंग ये प्रोसेसिंग था दूसरा काम आपने जो मॉडिफाइड प्रोटीन है उसे छोटे छोटे से वेसाइकल्स में पैक कर दिया दिस इज कॉल्ड एस पैकेजिंग एंड इसी के बाद हमने उसे सिक्रीट कर दिया तो जो लास्ट स्टेप है वहाँ पे वेसाइकल्स पिंच ऑफ हो जाते हैं एंड कौन सी फेज से पिंच ऑफ होते हैं अभी हमने डिस्कस किया दे गेट पिंचड ऑफ फ्रॉम द ट्रांस फेज और वहाँ से फिर हम उसे डिटैच कर देते हैं अलग कर देते हैं यहाँ पे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे सेल के बाहर या अंदर स्प्रेड सिक्रीट किए जाते हैं वो डिपेंड करता है उनकी यूटिलिटी पे, राइट right? मतलब अगर आपके पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सब्सटेंसेस अभी अभी मेरे सेल को ज़रूरी हैं तो मैं उन्हें वहीं कंज्यूम कर लूँगी लेकिन अगर उन सब्सटेंसेस की ज़रूरत मुझे अभी फ़िलहाल नहीं है बच्चों तो इन्हें हम डिस्पैच कर देंगे इन्हें हम रिलीज़ कर देंगे आप इन्हें रिलीज कर दीजिए ये जाएंगे आपके सेल में इधर उधर इधर उधर अच्छे से स्प्रेड हो जाएंगे या सेल के बाहर भी जा सकते हैं सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ़ द सेल कि आपके सेल को कितनी ज़रूरत है क्योंकि हमारा गोल्जी बॉडी सेल के इन सारी एक्टिविटीज को या प्रोटीन्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बेटा कि इसीलिए हम इसे डायरेक्टर ऑफ द सेल या प्रोटीन प्रोटीन ट्रैफिकिंग का जो पुलिसमैन है वो कहते हैं इट इज़ अ मिडल मैन है ना ये एक पुलिस मैन है एक मिडलमैन है एक ट्रैफिक कंट्रोलर है एक डायरेक्टर है uh, डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलिए इसे खास तौर पे क्योंकि ये सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सबसे अहम भूमिका निभाता है अगर ये ना हो तो चीज़ों को आप बहुत आसानी से मूव नहीं करवा पाएंगे क्योंकि रेसाइकल्स इसने ही प्रोड्यूस करना है इसने ही प्रिपेयर करना है सो देयरफॉर गोल्जी बॉडी इज सो इम्पोर्टेंट अब गोल्जी बॉडी के कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन समझिए ऑल दो हम बात गोल्ची बॉडी की कर रहे हैं लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे इक्वली लाई जो हमारा इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम है वो भी इन्वॉल्व है क्योंकि जब तक वो प्रोटीन बनाकर नहीं देगा गोल्ची बॉडी कभी भी प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन शुरू कर ही नहीं सकता तो देखिए हमारे पास लाइजोजोम्स हैं लाइजोजोम्स जो हैं ये डाइजेस्टिव बैग्स होते हैं हमारे सेल्स के और इन डाइजेस्टिव बैग्स में बहुत सारे इन्जाइम्स हैं डेफिनेटली जो इंजाइम्स हैं वो भी डाइजेस्टिव इंजाइम्स हैं तो लाइजोजोम्स के अंदर जो इंजाइम्स हैं वो कौन से इंजाइम्स हैं डाइजेस्टिव इंजाइम्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इंजाइम्स हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स है देर इज अ वाइड रेंज ऑफ इंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन योर लाइजोजोम एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम के बाद सबसे ज़्यादा इंजाइम्स अगर कहीं पर प्रेजेंट है तो वो हमारे लाइजोजोम्स में ही प्रेजेंट हैं लाइजोजोम्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो एसिडिक इन्वायरमेंट्स में काम करते हैं और इसीलिए हमारे लाइजोजोम्स को एंजाइम्स बनाने का बनाकर देने का काम हमारा गोल्जी बॉडी करता है और एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने का काम प्रोटॉन पम करता है हम बात करेंगे उसके बारे में जब हम लाइजोजोम्स डिस्कस करेंगे तो लाइजोजोम्स पूरी तरीके से किसने बनाए हैं ई ER आर ने सॉरी गोल्जी बॉडी ने ई ER आर ने जो प्रोटीन बनाकर गोल्जी बॉडी को दिया गोल्जी बॉडी ने उस प्रोटीन को प्रोसेस किया प्रोसेस करके उसने उसे वेसाइकल्स में पैक कर दिया पैक करने के बाद उसे मॉडिफाई कर दिया गया हमने पहले हमने उसे मॉडिफाई किया फिर हमने उसे पैक किया बच्चों और अब हम क्या करेंगे उसे सिक्रीट कर देंगे अगर ये इंडिपेंडेंटली काम करता रहे वेसाइकल हमेशा के लिए परमानेंटली वैसा ही घूमता रहे बर्स्ट होकर इंजाइम न रिलीज करे या सेल के बाहर न निकल जाए तो फिर ये लाइजोज़ोम का शेप ले लेता है या लाइजोजोम के फॉर्म में एक्जिस्टेंस में आता है लाइजोजोम्स डाइजेस्टिव बैग्स हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ इंजाइम्स प्रेजेंट हैं ये इंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं जिस समय इनके अंदर कोई भी फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब किया गया है तो इसीलिए हम इन शॉर्ट कह रहे हैं कि हमारा गोल्जी बॉडी किस में मदद कर रहा है लाइजोजोम्स के फॉर्मेशन में गोलजी बॉडी सेल मटेरियल बनाने का भी काम करता है ये सेल मटेरियल पॉलीसेकेराइड्स हैं जैसे सेलुलोज़ हैं हेमी है, हैं है इस तरीके के सब्सटेंसेस को भी बनाने का काम हमारा गोलजी बॉडी करता है ये जो स्पेशल कार्बोहाइड्रेट्स हमारा गोल्जी बॉडी फॉर्म कर रहा है ये स्पेशल कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली गोल्जी बॉडी के अंदर एक स्पेशल इंजाइम के कारण हो पाते हैं इनका फॉर्मेशन स्पेसिफिक इंजाइम्स के कारण हो पाता है पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी सेल के अंदर हमारे पास सेल वॉल अगर ये एनिमल सेल है बच्चों तो डेफिनेटली इट विल हैव सेल वॉल और अगर वो प्लांट सेल है तो इट विल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन अभी फिलहाल हम बात कन्फाइन करते हैं सिर्फ सेल वॉल तक क्योंकि सेलुलोज और हेमी सेलुलोज सेल वॉल के ही कंपोनेंट्स हैं सेल्युले सिंथेटेज नाम का एक एंजाइम है जिस एंजाइम को हम यूज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज को बनाने के लिए सेल्यूले सिंथेटेज नाम का एंजाइम भी कौन प्रिपेयर करके दे रहा है आपको गोल्जी बॉडी तो गोल्जी बॉडी इसीलिए हेल्पफुल है किसमें सिंथेसिस ऑफ मटेरियल द अनदर फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज दैट इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट लेकिन सेल प्लेट का बनना फ्रैग्मोप्लास्ट की मदद से होता है अब फ्रैग्मोप्लास्ट हमने एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम के पीसेस पढ़े थे रिमेंबर ये एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम के पीसेस होने के साथ साथ इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टन फिलामेंट्स कुछ फिलामेंट्स हैं एक्टिन फिलामेंट्स हैं जो कि अपोजिटिवली होते हैं और बीच में होता है एक माइक्रोट्रिब्यूल तो ये देखिए इस तरीके से सेल में प्रेजेंट है ये मेरा एक सेल है इस सेल के अंदर सेल डिवीजन की प्रोसेस चल रही है ये सेल है इसके अंदर सेल डिवीजन की प्रोसेस चल रही है आ, सेल प्लेट बनती है और सेल प्लेट बनती है सेंटर में जस्ट गिव मे अनेट ये डाइग्राम में सेलपरेट सेंटर में बनानी है हमें ये मेरा सेल हो गया बच्चों सेल के बीच में ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं और इन माइक्रोटिब्यूल्स में ऐसे पैरलि अरेन्ज्ड फिलामेंट्स हैं ये पैरलि अरेंज फेंट्स बेसिकली एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है दीज आर नथिंग बट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चरस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अपोजिटिवली अरेंज हैं प्लस द कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो टिब्यूल तो माइक्रो माइक्रोटिब्यूल के साथ इनका कॉम्बिनेशन होने से ये सेंटर में प्रेजेंट है सेंटर में प्रेजेंट होके दे जस्ट स्टार्ट गेटिंग मतलब कुछ ऐसे वेसाइकल्स होते हैं जिनमें एक्टिन फिलामेंट्स हैं प्लस माइक्रो टिब्यूल्स हैं ये सेंटर से फ्यूज़ होना शुरू करते हैं बीच के वेसाइकल्स फ्यूज़ हुए फिर उन वेसाइकल से दूसरे फ्यूज हुए फिर उनसे तीसरे फ्यूज हुए मतलब कैसे होगी प्रोसेस ये दो फ्यूज हो गए फिर इन दो वाइक से पीछे की तरफ दो और फर्दर वे फ्यूज होंगे मतलब ये फ्यूज हो गया ये फ्यूज हो गया फिर ये फ्यूज हुआ ये फ्यूज हुआ तो इस तरीके से प्लेट का फॉर्मेशन बन जाता है तो दिस इज वॉट इज कॉल्ड सेल प्लेट क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर प्लांट सेल्स के अंदर कभी भी सेंटर पे जो क्रोमोजोम्स हैं उनको अलाइन करने के लिए सेंट्रियोल नहीं होते हमारे पास तो इसीलिए वहाँ पे हमें एक स्पेशल ट्यूब का फॉर्मेशन करना पड़ता है विच इज कॉल्ड एज सेल प्लेट सेल प्लेट कैसे बनेगी वेसाइकल्स कोलीज हो जाते हैं चिपक जाते हैं फ्यूज हो जाते हैं इन द सेंटर और ग्रेजुअली फ्यूज होते होते टूवर्ड्स तो मेमरीन जाते हैं और वहाँ पे अल्टीमेटली बीच में एक पार्टीशन क्रिएट कर देते हैं द पार्टीशन इज नॉट वेरी सॉलिड आप ऐसा मत समझिएगा इट्स अ वेरी सॉलिड टाइप ऑफ पार्टीशन जस्ट अ पार्टीशन जहां पे क्रोमोजोम अपने आप को अलाइन करते हैं वी कॉल दिस एज सेल प्लेट और इस सेल प्लेट पे क्रोमोजोम आके अटैच होते हैं सो दिस इज हाउ सेल डिविजन द प्रोसेस ऑफ सेल डिजन टेक्स प्लेस इन प्लांट सेल्स द अनदर फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज हमारे ह्यूमन uh, uh, जो स्पिशी है उस स्पिशी में ह्यूमन मेल के अंदर जो स्पर्म्स है मेल गैमीट्स हैं उन गैमीट्स के अंदर इंजाइम्स का फॉर्मेशन राइट देअ इज अ स्पेशल क्लास ऑफ इंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन स्पर्म विच आर कॉल्ड ए स्पर्म लाइसेंस तो स्पर्म लाइसेंस जो होते हैं ये स्पर्म लाइसेंस स्पर्म के टिप में प्रेजेंट होते हैं ये स्पर्म का टिप ये मिडल पीस और ये उसकी टेल तो स्पर्म लाइसेंस प्रेजेंट है हमारे क्रोमोजोम के टिप में और ये स्पर्म लाइसेंस क्या है बेसिकली दी, दीज आर एंजाइम स्पेसिफिकली हाइड्रोले टाइप ऑफ एंजाइम है जो इंजाइम मेजरली यहां पे प्रेजेंट है दीज आर हाइड्रोलेस टाइप मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है दे विल हेल्प इन द ब्रेकिंग हाइड्रोलिटिक इट इज हाइड्रोलिटिक शेल ऑफ ओवम एट द टाइम ऑफ डिविजन सॉरी एट द टाइम ऑफ फर्टिला यहां पर हमने कुछ मेन फंक्शन डिस्कस किए हैं हमारे लाइजोजोम के सॉरी गोल्जी बॉडी के एक और मेन फंक्शन में आपको बताना चाहूंगी देयर इज अल स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट और विच इज फॉर्म्ड इन द पोलन ट्यूब एट द टाइम ऑफ पोलन ग्रेन जर्मिनेशन राइट इसे हम कैप बोलते हैं पोलन कैप जो होती है यहां पर भी पोलन कैप में कई सारे वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दिस ऑल्सो कैरीज एन नंबर ऑफ इंजाइम्स तो ये जो पोलन कैप डेवलप हुई है ये पोलन कैप बेसिकली कैप ब्लॉक के नाम से जानी जाती है जिसके अंदर देर इज अ रेंज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स, बिकॉज जब ये पोलन ट्यूब लंबी होगी इलांगेट होगी तो ये स्टिग्मा को क्रॉस करेगी ये देखिए जरा ये स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी तो चलिए यहां तो पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो गई उसके बाद ये जैसे जैसे स्टाइल को क्रॉस करेगी तो ये डिजोल्व करती जाएगी स्टाइल के टिश्यूज़ को स्टाइल के टिश्यूज़ को डिजोल्व करने के लिए इट रिक्वायर्स इंजाइम्स और ये जो इन्जाइम्स हैं दीज आर स्टिग्मेटिक डाइजेस्टिंग एंजाइम या स्टिग्मा डाइजेस्टिंग सॉरी स्टाइल डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं तो ये जो डाइजेस्टिंग एन्जाइम्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिकली कैप ब्लॉक में और कैप ब्लॉक ये वाला रीजन है विच विल हैव मेनी वैसाइकल्स रादर स्पेसिफिकली बोलू तो बहुत सारे गोल्जी बॉडी होंगे ये गोल्जी बॉडी के वेसाइकल्स होंगे प्लस इट विल हैव माइटोकॉन्ड्रिया तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है कैप ब्लॉक में और ये कैप ब्लॉक जो है दैट इज वॉट इज द एंड ऑफ पोलन ट्यूब और द टिप ऑफ पोलन ट्यूब तो इस तरीके से हमने गोल्जी बॉडी के सारे फंक्शंस डिस्कस किए हैं नाउ द नेक्स्ट सेल ऑगनल विच वी विल टॉक अबाउट इज लाइजोसोम राइट हम नेक्स्ट नेक्स सेलॉगनल की तरफ डिस्कस कर रहे हैं और ये नेक्स्ट सेल नेक्स्लॉगनल है हमारा लाइजोजोम्स लाइजोजोम्स को हम कॉमनली डाइजेस्टिव बैग के नाम से जानते हैं जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि लाइजोजोम जो है हमारी बॉडी में इंजाइम्स फिल्ड एक वसाइकल है जो कि बहुत छोटा होता है सिंगल मेम्ब्रेन का है यूनिट मेम्ब्रेन का है और मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन इससे जो मेम्ब्रेन बनाई हुई है वो हमारे लाइजोजोम्स की मेम्ब्रेन है ये लाइजोजोम की मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे इंजाइम्स हैं और ये इंजाइम्स बेसिकली हमारे लाइजोजोम्स को एक डाइजेस्टिव बैग बनाते हैं कंप्लीटली सो दे आर वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक वेसाइकुलर स्ट्रक्चर्स और कुछ नहीं है बट दीज आर डाइजेस्टिव इंजाइम जो डाइजेशन की प्रोसेस में मदद करते हैं इन लाइजोजोम्स को हम कॉमनली सुसाइडल बैग्स बोलते हैं क्यों बोलते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी हमारे लाइजोजोम्स को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे दैट वाज क्रिस्टिन दे डूव क्रिस्टिन दे डूव ने लाइजोजोम्स को सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था एंड देन लेटर ऑन लाइजोजोम्स के कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट बहुत परफेक्ट uh, फंक्शंस हमने देखे कि जिनके कारण हमारे सेल को बहुत बेनिफिट मिल रहा था और सेल को ही नहीं एक कंप्लीट ऑर्गैनिज़म को लाइजोजोम्स के होने से बड़ा फ़ायदा है हम देखेंगे लाइजोज़ोम्स कैसे हमें मदद करते हैं ये लाइजोजोम की पूरी अरेंजमेंट है जो लाइजोज़ोम की अलग अलग स्टेजेस को डिपेक्ट करती है ये एक ऐसा सेल ऑर्गनल है जो अपने फॉर्म को थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहता है जब जैसे इसकी ज़रूरत है जब जैसे इसकी आवश्यकता है हम इसे मॉडिफाई कर लेते हैं या ये खुद को मॉडिफाई कर लेता है ख़ुद को चेंज कर लेता है और अकॉर्डिंगली इट स्टार्ट फंक्शनिंग तो लाइजोजोम्स की ये अलग अलग स्टेजेस हैं ये इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया का कॉम्बिनेशन यहाँ से हमारे लाइजोजोम्स डेवलप होना शुरू हुए और लाइजोजोम्स अलग अलग कैटेगरी लेते जा रहे हैं ये कभी फैगोजोम का फॉर्म है जिसे हम हेट्रोफेगोजोम भी बोल सकते हैं ये रेसिडुअल बॉडी का फॉर्म ले सकता है ये ऑटोफेगोजोम का भी फॉर्म ले सकता है जो कि आगे चल के सुसाइड करने वाला है इसलिए इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग तो लाइजोज़ोम्स के अलग अलग फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि ये कौन सा फंक्शन प्ले कर रहा है वी विल कॉल इट एज डिफरेंट वी विल कॉल इट बाई डिफरेंट नेम्स हम आएंगे इस प्रोसेस के बारे में बाद में वापस से डिस्कस करेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे राइबोजोम प्रोकैरियोट्स में सॉरी लाइजोजोम्स प्रोकैरियोट्स में एबसेंट होते हैं यू में प्रेजेंट होते हैं आ, कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस के अंदर भी लाइजोजोम प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर ऑल्सो दे परफॉर्म अ वेरी स्पेसिफिक फंक्शन प्लांट्स के पास लाइजोजोम स्पेसिफिकली उस फॉर्म में नहीं होते जिस फॉर्म में ह्यूमंस के पास होते हैं एनिमल्स के पास होते हैं दे आर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ स्पेरोजोम्स माइक्रो बॉडीज में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्पेरोजोम लाइजोजोम्स फंगस एज आई टोल्ड यू एक लोअर ऑर्गेनिज्म है बट यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भी मिलता है युगलीना के अंदर मिलता है विच इज़ फर्दर अ सिंप्लीफाइड ऑर्गेनिज्म बट प्रोटेस्टा है इसके अलावा कॉटन सीड्स पी सीड्स के अंदर हमारे लाइजोजोम मिलते हैं यहाँ पे लाइजोजोम जो है वो डाइजेशन का काम कर रहे हैं ब्रेकिंग का काम कर रहे हैं सीड्स को जर्मिनेट होना होता है बच्चों यू नो दैट जब हमारे सीड्स को जर्मिनेशन करना है तो उन्हें अपने अंदर की स्टोर्ड फूड को ब्रेक करके उसे यूजेबल फॉर्म में लाना है और जब आप उसे यूजेबल फॉर्म में लाओगे तभी तो आप उसे यूटिलाइज करके ग्रोथ कर पाओगे

मतलब फंगस अपने अंदर से चीज़ों को बाहर सिक्रिएट करती है और डाइजेस्ट करती है तो डेफिनेटली वो क्या सिक्रियट करती है वो इन्हीं इंजाइम्स को सिक्रियट करती है और इन एंजाइम्स को सिक्रीट करके डाइजेशन की प्रोसेस करती है और फिर अब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टेड फूड को इसीलिए फंगस के पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के मेथड के लिए लाइजोजोम्स प्रेजेंट हैं सो लाइजोजोम्स इन फंगस प्ले अ वेरी स्पेसिफिक अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल पता है बच्चों एक चीज और याद दिलाती हूं हम लाइजोजोम को पेरी केनालिक्यूलर बॉडीज बोलते हैं रिमेंबर दिस टर्म पेरी केनालिक्यूलर इट इज कैनालिक्यूलर बॉडी यू नो रीजन द रीजन इज वेरी सिंपल पेरी मतलब नियर कैनालिकुलर मतलब कैनाल लाइक तो हमारे पास कैनाल लाइक पता है क्या है अभी हमने पढ़ लिए हैं एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडीज गोल्जी बॉडीज के आसपास और एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम के आसपास लाइजोजोम्स दिखाई दे जाएंगे स्पेशली नियर गोल्जी बॉडी क्यों क्योंकि गोल्जी बॉडी में हमने पढ़ा था कि वसाइकल्स में अगर हम इंजाइम्स को पैक कर दें तो वो जो इन्जाइम्स हैं वो और या वो जो वसाइकल है वो अगर नियर बाई ही घूमती रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे एक लाइजोजोम बोलेंगे तो लाइजोजोम इसीलिए आपको किन के आसपास मिलेंगे कैनाल्स के आसपास या ऐसे सेल ऑर्गनल के पास जिनके पास केनाल्स होती हैं इसलिए इन्हें हम बोलते हैं पेरी डेंस बॉडीज और पेरीकेनालिकुलर बॉडीज लाइजोजोम का एक मेन फंक्शन हमारी भी बॉडी में है एंड दैट इज डाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स हम बहुत अलग अलग वैरायटी का खाना खाते हैं वी ईट लिपिड्स दैट इज फैट प्रोटीन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट्स मेन फूड क्या है हमारे न्यूक्लिक एसिड क्योंकि हम जो भी सेल कंज्यूम करते हैं चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो आयदर यू आर वेजिटेरियन और मे बी नॉन वेजिटेरियन आप जो भी खाएंगे वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही खाएंगे इवन इफ यू आर वेजिटेरियन यू आर ईटिंग प्लांट्स राइट प्लांट्स के पास सेल है और सेल्स के पास न्यूक्लिक एसिड है तो आप न्यूक्लिक एसिड कंज्यूम कर रहे हैं आप प्रोटीन्स कंज्यूम कर रहे हैं आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हैं आप फैट्स भी कंज्यूम कर रहे हैं इन्हीं सब चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए वी हैव अ रेंज ऑफ एंजाइम्स हेयर स्टार्टिंग फ्रॉम लाइफ द एंजाइम दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट प्रोटीज जो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है कार्बोहाइड्रेज इज विच विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज शुगर वी हैव अ रेंज ऑफ शुगर हम शुगर कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज माल्टोस टाच लेक्टोज राइट तो हम अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं और उसके अलावा दे हैवर दे हैव अनदर इंजाइन विच इज न्यूक्लिएज दैट विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड राइट बच्चों सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंजाइम्स विच आर बेसिकली हेल्पिंग इन द डाइजेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेज सो दिस इज हाउ दे आर हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन आर बॉडी ये इंजाइम्स अलग अलग टाइप के कॉम्पोनेट्स को डाइजेस्ट करते हैं वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट यहाँ पे हम लाइजोजोम का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देख रहे हैं देखिये लाइजोजोम एसिडिक वैसाइकल्स हैं प्लांट्स और फंगस में हम इन्हें एसिडिक वैक्यूल के नाम से भी जानते हैं एसिडिक वैक्यूल भी बोलें आप तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि है ही ये वैक्यूल विच हैव एंजाइम्स बट द पी एच ऑफ दिस वैक्यूल इज एसिडिक सो दीज आर एसिडिक वैक्यूल्स राइट जिनके पास एसिड कंटेंट ज़्यादा है और आपको पता है बच्चों ये एसिड कंटेंट हम कैसे डेवलप करते हैं हम जो भी वेसाइकल है उस वेसाइकल के अंदर कुछ स्पेशल पम्प्स बनाते हैं ये पम्प्स प्रोटॉन पम्प्स हैं राइट प्रोटॉन पंप्स एटीपी की मदद से प्रोटॉन्स को पंप इन करते हैं देखिएगा कैसे ये हमारा एक लाइजोजोम है इस लाइजोजोम में यहां पे कुछ पंप्स होते हैं ये पंप जब एटीपी को यूज करेगा ये मैंने यूज कर लिया बच्चों ए को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं ए जब यूज हो जाता है कंज्यूम हो जाता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू एडिनोसाइन डाई ये देखिए ए के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है और साइटोप्लाज्म में जो भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वो इन प्रोटॉन्स को पंप कर देगा सेल के अंदर तो ये सारे प्रोटॉन्स हमारे सेल के अंदर एंटर कर गए अब ये प्रोटॉन सब इधर उधर इधर उधर घूमेंगे और अंदर का पूरा एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखेंगे तो बेसिकली हमारे लाइजोजोम्स का पीएच मेंटेन करने का काम कौन करेगा यही प्रोटॉन पंप्स मेंटेन करेंगे और प्रोटॉन पंप्स कम हमेशा हमेशा इस पूरे इन्वायरमेंट को कैसा बना के रखेंगे एसिडिक रीजन ये है बच्चों कि जितने भी इन्जाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो सारे इन्जाइम्स किस मीडियम में काम करते हैं एसिडिक मीडियम में तो क्योंकि वो एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में काम करते हैं इसलिए हमें वहाँ पे कंटिन्यूसली एक एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखना बेहद ज़रूरी है इंजाइम्स नहीं तो इनएक्टिव हो जाएंगे सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर और द जस्ट अ ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ लाइजोजोम लाइजोजोम्स को हम अलग अलग कॉन्टेंट्स के बेसिस पे भी डिफाइन uh, करते हैं कि कौन सा लाइजोजोम कैसा होगा मैंने आपको बताया था बच्चों कि लाइजोजोम जब इनिशियली प्रेजेंट है तो वो सिर्फ एक नॉर्मल सेल ऑर्गनल के फॉर्म में प्रेजेंट है भाई हमेशा तो वो काम नहीं कर सकता ना हमें भी तो नॉन स्टॉप काम करने की आदत नहीं है हम भी थकते हैं लाइजोजोम भी थकेगा लेकिन यहाँ थकना मेन रीजन नहीं है अगर लाइजोजोम की एंजाइम्स हमेशा एक्टिवेटेड रहे इसका मतलब वो हमेशा डाइजेशन कर रहे हैं वो ओवर वर्क करने के कारण बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे और सेल क्या हो जाएगा सॉरी सेल ऑर्गनल क्या है क्या हो जाएगा लाइजोजोम मर जाएगा लाइजोजोम सेल ऑर्गेनल एंड इट विल डाई ड्यू टू ओवरवर्क इसीलिए जब भी हमें एंजाइम्स की जरूरत नहीं है जब भी हमारे पास खाना नहीं है तो हम एंजाइम्स को यूज नहीं करेंगे बेटा रिमेंबर द फैक्ट एंजाइम्स तभी एक्टिव होंगे जब फूड अवेलेबल है तो अगर एक लाइजोजोम ऐसा है जिसके पास फूड है लेकिन अनएक्टिवेटेड सॉरी इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स है ऐसे एंजाइम्स जो काम नहीं कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी लाइजोजोम प्राइमरी लाइजोजोम एक नॉर्मल वैक्यूल के फॉर्म में होता है जो कि फंक्शन फंक्शनल नहीं है लेकिन फंक्शनल हो सकता है कब हो सकता है बेटा जब उसने कोई फूड एनगल्व कर लिया हो जब उसने फैगोसाइटोसिस किया हो देखिए ये सेल है ये फूड पार्टिकल है और ये लाइजोजोम है जब ये लाइजोजोम इस फूड पार्टिकल के साथ फ्यूज हो जाता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिसे अब मैं बोल सकती हूँ फैगोजोम मतलब के पास फूड अंदर आ गया और लाइजोजोम कन्वर्ट हो चुका है एक एक्टिव लाइजोजोम के फॉर्म में क्यों एक्टिव लाइजोजोम बेटा क्योंकि अब इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं अलग अलग टाइप के वो एंजाइम्स एक्टिवेट होकर इस फूड को डाइजेस्ट करेंगे और इस फूड को जैसे जैसे आप डाइजेस्ट करेंगे लाइजोजोम पार्टिकल्स को ब्रेक करके अब्जॉर्ब करना शुरू भी कर देगा तो इसीलिए ये किस तरीके का लाइजोजोम हुआ दिस इज अट्रोफेगोजोम वाई फेगोजोम फूड सॉलिड फूड प्लस लाइजोजोम इज नोन एज फेगोजोम राइट हेटरोगोजोम क्यों क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। एक सेलोगनल है और एक प्रॉपर फूड पार्टिकल है तो इन दोनों का फ्यूजन इज कॉल्ड एज या फिर आप इसे फैगोलाइजोजोम भी बोल सकते हैं अनदर टर्म सेकेंडरी लाइजोजोम भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके पहले वाला जो लाइजोजोम था दैट वॉज प्राइमरी लाइजोजोम जिसके पास फंक्शनल इंजाइम नहीं थे अब ये कैसा इंजाइम हो गया है सॉरी अब ये कैसा लाइजोजोम हो गया है सेकेंडरी लाइजोजोम बिकॉज इट हैव नाउ एक्टिव इंजाइम तो वी कॉल इट बाई डिफरेंट नेम्स फेगोलाइजोजोम हेट्रोफेगोजोम सेकेंडरी लाइजोज़ोम एंड फाइनली अमीबा के अंदर जब आप देखते हैं कि उसने फूड को एनगल्फ किया है तो फूड को एनगल्फ करने के बाद आसपास एक वेसाइकल सिक्रीट होता है और उस वेसाइकल के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस होती है क्योंकि वो जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो डाइजेशन की प्रोसेस टेम्प्ररी है अब अमीबा के पास तो कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं कोई स्टमक नहीं होता कुछ नहीं होता इसीलिए उस स्टमक को हम टेम्प्ररी स्टमक के नाम से जानते हैं मतलब अमीबा के अंदर जो भी ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं जहां पे फूड प्रेजेंट है जिसका डाइजेशन होना है वी कॉल दैट एज टेम्प्रेरी स्टमक तो सेकेंडरी लाइजोजोम को हम डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोलते हैं सेकेंडरी लाइजोजोम को हम डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोलते हैं राइट द अनदर कैटेगरी ऑफ इज लाइजोजोमी लाइजोजोम टर्शरी लाइजोजोम का मतलब होता है जो लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड को कैरी कर रहा हो भाई जितना डाइजेस्ट करना था आपने कर लिया लेकिन अब जो नहीं डाइजेस्ट करना है वो हमारे लिए क्या है वेस्ट है और डेफिनेटली उस वेस्ट को सेल से बाहर निकालेंगे कि नहीं तो अब जो बचा है स्ट्रक्चर उसे हम बोलते हैं रेसिडुअल बॉडी या रेसिडुअल लाइजोजोम तो थर्ड कैटेगरी इज टर्शरी लाइजोजोम जिसके अंदर अब इनडाइजेस्टेड मैटर प्रेजेंट है ये लाइजोजोम और इसके अंदर जो मैटर डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो इनडाइजेस्टेड मैटर के फॉर्म में प्रेजेंट है देफो वी कॉल इट एज रेसिडुअल बॉडी और टर्शरी लाइजोजोम राइट देयर इज वन मोर कैटेगरी देखिए लाइजोजोम तो बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए कि वो सब्सटेंसेस का डाइजेशन करता है लेकिन ये सब्सटेंसेस हो सकता है यूजफुल भी हो और हो सकता है अनयूज सब्सटेंसेस भी हो तो यूजफुल सब्सटेंस अनयूज सब्सटेंसेस इन द सेंस जिन्हें हमें कभी यूज भी नहीं करना है बेसिकली ये हो सकते हैं कोई फॉरेन पार्टिकल कोई फ़ॉरेन बैक्टीरिया कोई पैथोजन जो अंदर एंटर करेंगे और जिन्हें हमारा सेल रिकॉग्नाइज करके ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म राइट अब ये डिफेंस का पार्ट हो गया कभी अगर ये खाना डाइजेस्ट कर रहा है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया तो ये दोनों फंक्शन प्ले करता है लेकिन अगर मान लीजिए एक समय ऐसा आ जाए कि जिस सेल के अंदर लाइजोजोम है वो सेल ओल्ड हो जाए डेड होने वाला है वर्न आउट हो जाए टूट फूट हो जाए उसमें उस सेल को भी हम सर्वाइव नहीं करने देते राइट उसका एक सिंपल सा रीजन है बेटा जो सेल ठीक से फंक्शनल नहीं है अगर उसे आप रखेंगे अपने पास तो वो सेल एक्स्ट्रा एनर्जी आपसे करता रहेगा एंड इट विल बी बर्डन टू योर बॉडी आपके लिए बोझ हो जाएगा इसीलिए हमें क्या करना है हमें उस सेल को भी खत्म करके हम जो जो चीजें उसकी यूज कर सकते हैं हमें उन चीजों को उसके यूज कर लेना चाहिए तो उस समय पे आपका लाइजोजोम जिस सेल में प्रेजेंट है उसी सेल को खा लेता है और इसीलिए उसे हम बोलते हैं ऑटोफेगोजोम ऑटोफेगोजोम का मतलब होता है कि जब लाइजोजोम अपने ही आप, जिस सेल में वो डेवलप हो रहा है उसी सेल को डाइजेस्ट कर ले उसी सेल को खा ले इसीलिए क्योंकि अब वो सेल पुराना हो रहा है टूटने वाला है तो उसे हम बोलते हैं ऑटोफेगोजोम या ऑटोलाइजोजोम सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइजोजोम नाउ लेटेस्ट टॉक इन जनरल अबाउट ऑफ फंक्शन जिनमें से एक फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने गोल्जी बॉडी के बारे में बात की थी वी टॉक्ड अबाउट कि गोल्जी बॉडी जो है वो कुछ इंजाइम्स प्रिपेयर करती है और ये इंजाइम स्पर्म लाइसेंस है रिमेंबर वही इंजाइम हैल यूरिडेज इंजाइम है जिस इंजाइम का प्रेजेंस होता है स्पर्म की टिप में और स्पर्म की टिप में इस एंजाइम के प्रेजेंट होने के कारण ये जो स्पर्म है ये अपने सिक्रेशंस एग की शेल पे पोर करेगा और उन सिकुरेशन्स को पोर करने के कारण एग की शेल क्या होती जाएगी डिजोल्व होती जाएगी द अनदर फंक्शन ऑफ लाइजोजोम इज इट बेसिकली हेल्प्स इन ट्रिगरिंग द सेल डिविजन प्रोसीजर मतलब जब आपके सेल को डिवाइड करना है जब आपके सेल ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब डिवीजन करना है तो डिवीजन के टाइम पे कई सारे जो प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स को ब्रेक किया जाता है राइट ऑलमोस्ट हंड्रेड डिफरेंट प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन रादर मैं कहूं बिफोर सेल डिवीजन तो जब भी आप सेल डिवीजन की प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहते हैं उसके पहले आप बहुत सारे प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं सो दैट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कैन बी स्टार्टेड और इसीलिए इसका एक इंपॉर्टेंट रोल सेल डिवीजन की प्रोसेस में भी है सेल को इनिशिएट करने में भी है डिवीजन की प्रोसेस को इनिशिएट करने में भी है इवन ये इसकी ऑटोफेगोजोम जो टेंडेंसी है टेंडेंसी जिसे मैं बोल सकती हूं। इस टेंडेंसी के कारण भी ये को या में जो कन्वर्ट हो गए हैं सेल्स को उन सेल्स को ब्रेक कर सकता है तो कैंसर में कन्वर्टेड सेल्स को ब्रेक करने का काम भी लाइजोजोम करते हैं और इस तरीके से ये आपके सेल को डिफेंस के आई uh, मीन I mean, आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द कैंसर राइट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर लाइजोजोम्स का फंक्शन इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी है एज बी एज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करते हैं पीनोसाइटोसिस की प्रोसेस करते हैं याद दिला दूँ मैं आपको फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है बेटा सॉलिड फूड को अंदर लेना डाइजेस्ट करना पीनोसाइटोसिस का मतलब होता है लिक्विड फ़ूड को अंदर लेना डाइजेस्ट करना और इसके अलावा ये जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में आएंगे मे बी दे आर पैथोजन उनको भी डाइजेस्ट करने का काम करता है सो दिस इज हाउ इट इज हेल्पफुल ऑटोफैगी वी टॉक्ड अबाउट कि ऑटोफैगी जब आपका सेल स्टावेशन में होगा या ओल्ड आउट सेल्स होंगे जो कि मरने वाले स्टेट में है उनको भी ये डाइजेस्ट करने का काम करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब कुछ अनवॉन्टेड सब्सटेंसेस को रिमूव करना है अब ये अनवांटेड कुछ भी हो सकते हैं नॉट नेसेसरी कि आपकी बॉडी के बाहर के ही हो। कई बार ये आपकी बॉडी के अंदर के भी हो सकते हैं देखिए देर इज अ फिनेमिन इन आर बॉडी विच इज कॉल्ड एज बोन री मॉडलिंग राइट याद रखिएगा हमारी बॉडी में बोन कंटिन्यूसली बनती है और टूटती है ये बोन का कंटिन्यूसली बनना टूटना ये सब कुछ डिपेंड करता है लाइजोजोम पे बोन के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट में लाइजोजोम्स का नंबर काफी ज्यादा होता है लाइजोजोम्स का नंबर ऑस्टियोक्लास्ट में मतलब बोन के सेल्स में काफी ज्यादा होता है और ये इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हमें बोन को रीशेप करना है रीमॉडल करना है भाई बोन ऐसा तो नहीं है जो बचपन में बन गई वही बोन हम जीवन भर लेके चलेंगे वरना फिर हमें ये कंपल्शन क्यों होता हमारे पेरेंट्स से कि हमें दूध पीना चाहिए हमें कैल्शियम खाना चाहिए हमें थोड़ी सी धूप सेकना चाहिए ताकि हमें विटामिन डी भी मिल सके दैट विल हेल्प इन दब्जॉर्बशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड राइट right? तो ये इसलिए है बच्चों क्योंकि हमारी बोन लगातार बनती और टूटती रहती है बोन इज द मेजर सोर्स ऑफ सप्लायर ऑफ कैल्शियम इन आर बॉडी याद रखिएगा हमारी बॉडी में हम जो बाहर से कैल्शियम लेते हैं बेटा वो तो एक बात है लेकिन हमारे बोन्स में भी जो कैल्शियम है उसे हम यूज़ करते रहते हैं और उस बोन रीमॉडलिंग की प्रोसेस के लिए हमें लाइजोजोम्स की ज़रूरत है ये लाइजोजोम बोन के कैल्शियम को विड्रॉ करते हैं और ब्लड में रिलीज़ करते हैं ताकि ये कैल्शियम अवेलेबल हो हमारे बॉडी के दूसरे टिश्यूज़ को स्पेशली कार्डियक मसल्स को ओके नॉट ओनली कार्डियक मसल्स आपकी जो वॉलेंटरी मसल्स हैं आपके हाथों की मसल्स पैरों की मसल्स लिम्स की मसल मतलब इन मसल्स को भी कैल्शियम की जरूरत है और वो कैल्शियम कौन देता है यही राइट right? तो बोन रीमॉडलिंग की और अच्छा इसका एक सबसे ए, मतलब बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है बच्चों कि कई बार ये एक्सेसिव हो जाता है और एक्सेसिव होने के कारण बोन बहुत वीक हो जाती है बहुत फ्रेजाइल हो जाती है तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस आर कॉज्ड ड्यू टू अब नॉर्मल ऑफ दीज लाइजोजोम राइट अभी इस पर काफी रिसर्च चल रहा है आप अगर थोड़ा सा इधर उधर लिटरेचर पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी में लाइजोजोम बोन रीमॉडलिंग में कैसे हेल्पफुल हैं ये अपने आप में एक रिसर्च का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इसको हमने अगर जज कर लिया तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम कई सारी ऑटो इम्यून डिसीजेस जो हमारी बोन से रिलेटेड हैं उनको हम टारगेट कर पाएं जैसे रिम्योटॉइड अरेथराइटिस है ऑस्टियोपोरोसिस के कई टाइप हैं तो ये सब लाइजोजोम्स की अपनॉर्मल फंक्शनिंग के कारण है विच वी वॉन्ट टू डील विथ, राइट देर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जहाँ पे हमारे जो हमारे जो लाइजोजोम्स हैं वो मेटामोरफोसिस की प्रोसेस करते हैं वट इज देखिए फ्रॉग 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 को टेल की क्या जरूरत है एक है इट एक एम्फीबियन मेटामोसिस और रेप्टाइल्स के बीच में आता है तो फ्रॉग के पास टेल हो ही ऐसा जरूरी नहीं है फ्रॉग को टेल की कोई यूटिलिटी नहीं है लेकिन टाटपोल जो होता है उसके पास टेल होती है उस टेल को हमें रिमूव करना है क्योंकि वो टेल उसे किसी भी तरीके से मदद नहीं देने वाली उस टेल को टेडपोल स्टेज से रिमूव करने के लिए एक स्पेशल क्लास ऑफ लाइजोजोम है जिनके पास एक इंजाइम होता है विच इज कॉल्ड एस कैथेपिन इट्स एन एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन लाइजोजोम्स ऑफ टैडपोल जो कि फ्रॉग की टेल को क्लीव करते हैं इसे हम टेल किलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं क्योंकि टैटपोल को टेल की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इनिशियल स्टेजेस में उसे ज़रूरत होती है या इवोल्यूशन के कारण उसके पास अभी टेल है आगे चल के हो सकता है आपको टैटपोल में कभी टेल भी ना दिखाई दे इवन द सेम प्रोसेस इज सीन इन सिल्क वर्म ऑल्सो सिल्क वर्म के अंदर भी जो कई सारी स्टेजेस हैं उन स्टेजेस में जो अलग अलग चेंजेस आते हैं उनके स्ट्रक्चर्स में उनके ऑर्गन्स में वो भी लाइजोजोम मीडिएटेड होते हैं तो वी से दैट इट इज सिबल फॉर मेटा मॉर्फोसिस मेटा का मतलब होता है चेंज एंड मॉर्फोसिस का मतलब होता है शेप मतलब शेप को चेंज करने की जो प्रोसेस है उसे हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं और ये मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के लिए हमें किसकी हेल्प लगेगी ऑब्वियसली लाइजोजोम्स की तो लाइजोजोम्स आर देयरफॉर हेल्पफुल इन द मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस आल्सो ये लाइजोज़ोम हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट हैं एट डिफरेंट स्टेजेज़ ये लाइजोज़ोम बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं लाइजोजोम का मतलब हमारे गोल्जी बॉडी से एक कैटेगरी तो लाइजोजोम की बन गई जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं और एक कैटेगरी बन जाती है बच्चों वैक्यूल्स की वैक्यूल्स जो कि चीज़ों को स्टोर करने का काम करते हैं लाइजोजोम डाइजेस्ट करने का काम करते हैं इसीलिए इन्हें हम डाइजेस्टिव बैग्स बोलते हैं सुसाइड कर लेते हैं इसीलिए सुसाइडल बैग्स बोलते हैं क्लीन कर देते हैं बॉडी को इसलिए क्लीनिंग स्क्वाड बोलते हैं और अगर इनके अंदर डाइजेस्टिव बैग्स नहीं हो तो उन्हें हम वैक्यूल्स बोलते हैं तो वैक्यूल्स पे हमारा डिस्कशन होगा क्योंकि वैक्यूल्स जो है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है और नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में हम बात करेंगे सो नेक्स्ट वुड बी वैक्यूल्स हम नेक्स्ट सेल सेलोगनल की बात कर रहे हैं विच इज वैक्यूल वैक्यूल जो है ये भी गोल्जी बॉडी से ही बना हुआ स्ट्रक्चर है लेकिन वैक्यूल और लाइजोजोम में डिफरेंस क्या है तो आप याद रखेंगे बेटा कि जो लाइजोजोम हैं उनके अंदर का जो लिक्विड मटेरियल है दैट इज बेसिकली एसिडिक इन नेचर लेकिन अगर वैक्यूल की मैं बात करूं तो वैक्यूल के अंदर का लिक्विड एसिडिक नहीं होता इट इज जस्ट अ लिक्विड जिसके अंदर आपको चीजों को स्टोर करना है राइट right. वैक्यूल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर मैं देखूं तो स्टोरेज है अब चाहे ये वेस्ट सब्सटेंसेस का स्टोरेज हो चाहे ये यूजफुल सब्सटेंसेस का स्टोरेज हो आप दोनों ही चीजों को स्टोर कर सकते हैं लेकिन जरा सोच के बताएं कि क्या ये प्लांट्स के अंदर ज्यादा यूजफुल होंगे कि एनिमल्स के अंदर ज्यादा यूजफुल होंगे अगर आप सोचें तो आपको ध्यान में आएगा कि प्लांट्स का मेटाबॉलिज्म एनिमल्स के मेटाबॉलिज्म से काफी कम है इट और अगर प्लांट्स का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है तो डेफिनेटली उनके अंदर एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी बहुत स्लो होनी चाहिए और इसीलिए प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स की यूटिलिटी ज़्यादा हो जाती है बच्चों क्योंकि प्लांट्स के अंदर स्टोरेज वेस्ट का भी होगा और यूजफुल का भी होगा जबकि ह्यूमंस की एनिमल्स की बॉडी में सब्सटेंसेस का स्टोरेज अगर देखा जाए तो वो वैक्यूल्स में न के बराबर है यस वी डू स्टोर सब्सटेंसेस ऑफ़ कोर्स क्योंकि हमें भी एनर्जी को स्टोर करना पड़ता है और ये एनर्जी को हम रिजर्व फॉर्म में स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन हमारे लिवर के आसपास स्टोर रहता है लेकिन अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स अपने रिजर्व फूड को वैक्यूल्स के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं तो वैक्यूल्स क्या है हमारे लिए वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स हैं विच विल हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस ये सब्सटेंसेस वेस्ट भी हो सकते हैं और ये सब्सटेंसेस यूजफुल भी हो सकते हैं इवन ये सब्सटेंसेस कुछ इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स भी हो सकते हैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल है आपने बीट रूट को कभी कट किया हो तो आपने नोटिस किया होगा आप जब बीट रूट को कट करते हैं उसके स्लाइजेस निकालते हैं तो जो आसपास का सल्यूशन है वो पूरी तरीके से मेजेंटा कलर का हो जाता है राइट ये क्यों होता है पता है क्योंकि जब आप कट करते हैं तो उसके वैक्यूल्स बर्स्ट हो जाते हैं और वो वैक्यूल्स के अंदर जो स्टोर्ड स्टोर्ड पिगमेंट है दैट पिगमेंट्स ग्रेजुअली कम्स आउट एंड मेक्स द द सेम वे इट इज उतना ही कलरफुल बना देता है इज इट तो हमारे जो वैक्यूल्स हैं वो पिगमेंट्स को स्टोर करते हैं प्लांट्स में यूजफुल सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं वे सब्सटेंसेस को भी स्टोर करते हैं जैसा हमने अभी डिस्कस किया बेटा कि वैक्यूल्स स्टोर करते हैं और प्लांट्स को स्टोरेज की ज्यादा आवश्यकता है तो बट ऑब्वियस बात हो गई कि वैक्यूल्स प्लांट्स के पास बड़े बड़े होंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर सकें, और एनिमल्स के पास छोटे छोटे होंगे तो एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल प्लस न्यूमरस देखिए अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन स्मॉल होते हैं साइज में एंड मेनी इन नंबर भी हो सकते हैं बहुत ज्यादा नंबर में भी हो सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे हैं तो नंबर ज्यादा भी हुआ तो थोड़ा चलता है लेकिन प्लांट्स को इनकी जरूरत ज्यादा है इसीलिए प्लांट्स में वैक्यूल कंपेरेटिवली बिगर होता है और हो सकता है वन और टू और मे बी थ्री भी हो सके लेकिन मेजरली इट इज वन पूरा इतना बड़ा वैक्यूल होगा जो प्लांट के मैक्सिमम पोर्शन को ऑक्यूपाई कर लेता है तो अगर आप कभी नोटिस करें तो प्लांट के डायग्राम में वैक्यूल बहुत बड़ा एरिया है और न्यूक्लियस बहुत छोटी सी जगह शिफ्ट हो जाता है राइट तो प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स बिगर साइज के होते हैं कई बार हमारे वैक्यूल्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो वी से दैट दे हैव अ लिक्विड मटेरियल जैसा मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में भी बोला था ये जो लिक्विड मटेरियल है इसे हम सेल सैप के नाम से जानते हैं राइट वैक्यूल्स के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है उसे हम सेल सैप के नाम से जानते हैं और इस सेल सैप के अंदर ही चीजें स्टोर होती हैं इसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं रिमेम्बर हमने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की थी बच्चों तो हमने ये बात बोली थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ स्पेशल नाम हैं जिस सेल ऑर्गेनल में वो होगी उस सेल ऑर्गेनल के बेसिस पे उसके कुछ स्पेशल नाम हैं तो यहाँ पे हम उसी नाम की बात कर रहे हैं ये सेल सैप है जिसे हम टोनोप्लाज्म भी बोलते हैं वी कॉलिटाइज है, टोनोप्लाज्म और जो मेम्ब्रेन है उसे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं ज ऑफ डिफरेंट काइंड वैक्यूल सिंगल मेमरेन के होते हैं एंड सिंगल मेमरेन इज रेफर्ड एज टोनोप्लास्ट प्लान के अंदर दे ऑक्यूपाइडी परसेंट एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड प्लान के अंदर जो टोनोप्लास्ट या हमारे अंदर भी जो टोनोप्लाज्म है सॉरी प्लान्ट और एनिमल्स के अंदर वैक्यूल में जो लिक्विड है दैट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस ये आयंस को मटेरियल्स को मिनरल्स को सबको डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करेगा इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट uh, मतलब लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन में सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा इसके अलावा हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे अमीबा है अमीबा के अंदर एक स्पेशल वैक्यूल है वी कॉल इट एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन करता है ऑस्मो रेगुलेशन बिल्कुल वैसी ही प्रोसेस है जैसी हमारी किडनी करती है राइट हमारी किडनी में क्या होता है किडनी आयंस को और वाटर को बैलेंस करती है भाई जब पानी कम पिया है तो यूरिनेशन कम होगा पानी ज्यादा पिया है तो यूरिनेशन ज्यादा होगा एलोंग विथ यूरिन आप क्या करते हैं वॉटर एंड सॉल्ट राइट तो वॉटर और सॉल्ट के बैलेंस को ही तो हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते आए हैं ना तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे वैक्यूल्स जो हैं अगर अमीबा के अंदर वैक्यूल्स वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करते हैं तो क्या हम उन्हें ऑस्मो रेगुलेटरी वैक्यूल्स नहीं बोल सकते यस ऑफ कोर्स वी कैन से दैट और इसीलिए अमीबा के वैक्यूल स्पेशल हैं बच्चों अमीबा के वैक्यूल्स ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं लेकिन कौन से वैक्यूल दीज आर स्पेशल वैक्यूल्स हर वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करेगा याद रखिएगा ओनली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पर देखिए अमीबा के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एक स्पेशल वैक्यूल प्रेजेंट है विच इज कॉल लेस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और ये सेम हमारे प्रोटेस्टा के कई मेंबर्स में प्रेजेंट है आप इसी को पैरामीशियम में भी देख सकते हैं युग्लिना में भी देख सकते हैं ये अमीबा ये मैंने पैरामीशियम ड्रॉ कर दिया पैरामीशियम में भी आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलेगा और ये युगलीना युगलीना के अंदर भी आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिल जाएंगे तो सब जगह इनके फंक्शन एक ही है एंड दैट इज दे हेल्प इन कंट्रोलिंग वाटर एंड सॉल्ट और हेल्प इन मेंटेनिंग वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस हमारे कई ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वैक्यूल्स हैं ये फूड स्टोरेज का काम भी करते हैं एज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट चाहे तो वो फूड प्रोटीन हो सकता है वो फूड लिपिड हो सकता है इवन कई ऑर्गेनिजम के अंदर तो गैस वैक्यूल्स भी होते हैं आप समझ ही गए होंगे कि गैस वैक्यूल मतलब ऐसे वैक्यूल्स दैट विल हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ गैस और जब एयर फिल्ड है गैस फिल्ड है तो डेफिनेटली बायोन्सी अपने आप एक प्रॉपर्टी है जो उस ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जानी है तो ऑर्गेनिज्म क्या होना शुरू हो जाएगा फ्लोट होना शुरू हो जाएगा ये प्लांट भी हो सकता है ये कोई ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है लेकिन जिसके भी अंदर गैस वैक्यूल्स होंगे वो उसे हल्का बना देंगे और हल्का होने के कारण वो ऑर्गेनिज्म ईजिली फ्लोट कर सकेगा राइट सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कई ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे हमने फैगोसाइटोसिस की बात की थी तो जब कोई भी फूड पार्टिकल अंदर एंटर करता है ये फूड पार्टिकल अमीबा ने लेटेस्ट लेटेस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ अमीबा दैट विल मेक इट मोर क्लियर ये अमीबा है ठीक है इस अमीबा के आसपास एक फूड पार्टिकल आया है जैसे ही इस अमीबा ने एक फूड पार्टिकल को अपनी विसिनिटी में अपने एरिया में सेंस किया वैसे ही इसने अपने अंदर उसे लेने की कोशिश की और याद कीजिए इसे अंदर लेने की प्रोसेस को हमने फैगोसाइटोसिस बोला था अ कैटेगरी ऑफ एंडोसाइटोसिस राइट तो अगर इस अमीबा को इस फूड पार्टिकल को एनगल्फ करना है निगलना है तो इसने क्या कर लिया बच्चों कप बना लिया कप बनाने के बाद इसने इस फूड को लगभग लगभग अंदर ले ही लिया है और अभी भी ये फूड एक वेसाइकल में है और ये वेसाइकल और कुछ नहीं है इट इज जस्ट अ फूड वैक्यूल आ गई अनदर कैटेगरी ऑफ वैक्यूल हमने फूड कैसे स्टोर किया या तो आप इसे स्टोर करके रख लें अभी ये फूड है फूड वैक्यूल में है स्टोर करके रख लीजिए अगर अभी आप डाइजेशन करने के मूड में नहीं है तो यहां पे मूड से मेरा मतलब है अगर आपके पास एंजाइम्स एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है तो यहां पे इसका मतलब यह भी है कि अगर आपको हाल फिलहाल एनर्जी की जरूरत नहीं है तो बट ऑन द कॉन्टररी अगर आपको अभी एनर्जी की जरूरत है और आप चाहते हैं कि अभी डाइजेशन हो जाए आप इस फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स को भी इनकोऑपरेट कर लीजिए मिला लीजिए एंजाइम्स को भी और अब इन इंजाइम्स को आप इस फूड के ऊपर काम करने के लिए छोड़ दीजिए तो अब ये क्या हो गया फूड वैक्यूल और ग्रेजुअली कन्वर्टेड इंटू अ डाइजेस्टिव बैग राइट जब तक इसके अंदर फूड प्रेजेंट है फिर से देख लें एक बार जब तक इसके अंदर फूड प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल और अब जब इसके अंदर एंजाइम्स काम करना शुरू कर देंगे बच्चों जो एंजाइम्स इस फूड को डाइजेस्ट करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा डाइजेस्टिव बैग हम इसे टेम्प्ररी स्टमक भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बहुत थोड़े समय के लिए बनाया गया स्टमक है कुछ समय बाद ये स्टमक आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए वी एज टेम्प्ररी स्टमक वेन वी टॉक अबाउट द सेम प्रोसेस इन अमीबा दिस इज हाउ योर वैक्यूल इन अ प्लांट सेल लुक्स लाइक ओके ये बड़ा सा वैक्यूल है और आप देख सकते हैं मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आ, हमारा न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस पेरी फेरी पे शिफ्ट हो जाना है किसी कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाना है और उसका सीधा सा रीजन ये है कि वैक्यूल ने बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया है एंड वाई वैक्यूल इज सो बिगर इन साइज

और एंडोसमोसिस ये दो प्रोसेस हमारे सेल में अवॉइड की जा सके हम इसके नेक्स्ट सेल ऑगनल के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया तो वैक्यूल के बाद वी विल टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया